भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि और भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। पोटका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फिर दो कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव हो जाने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद अस्पताल को सील करते हुए सैनिटाइज किया गया। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर कई बार अस्पताल को सील कर दिया गया। इस बार भी दो कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से अगले 48 घंटे के लिए अस्पताल को सील कर सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं पोटका में अस्थायी जांच केंद्र बनाया गया है, जहां खुले आसमान के नीचे टूटे फूटे बिल्डिंग में कोरोना सैंपल कलेक्ट किया जा रहे हैं। तो एक्चुअली उसके रिपोर्ट के लिए वो सैंपल के लिए IDSP भेजा गया था 13 तारीख को। तो रिपोर्ट तो कल आया है, तो कल देखे कि रिपोर्ट उसका जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने के बाद सभी हड़कंप मच गया, थोड़ा सा भयभीत हो गया कि क्या होगा। तो इसीलिए कल एक्चुअली शाम को रिपोर्ट आया है, कल शाम को ही मैंने हॉस्पिटल धीरे धीरे बंद कर दिया गया है। आज के लिए हॉस्पिटल बंद रहेगा, सैनिटाइज किया जा रहा है, कल फिर से खुलेगा। लेकिन सभी स्टाफ लोग को जो जितना यहाँ काम कर रहे हैं सभी को निर्देश दिया गया था आज कि सबसे पहले रैपिड टेस्ट होगा, उसके बाद अगर नेगेटिव है तो वही काम करेंगे, बाकी सब घर जाएंगे। तो अभी जितना अभी ये किए हैं स्टाफ CHC पोर्ट करके, उसमें एक लेडी जो है फिर पॉजिटिव निकल गया है, उसको अभी होम आइसोलेशन में रखा गया है।